Good morning, students. Today we are going to learn how to draft a poster. In poster drafting, we focus more on the text part and less on the drawing. Before we begin, let us see what is a poster. Poster is one of the communication medium used to convey the message. It includes both text and pictures. So poster एक माध्यम है जिससे आप अपना information भेज सकते हैं और इसमें आप text भी use करते हैं और pictures भी. Text means writing part. और English में हम ज़्यादा text पे focus करते हैं. Pictures symbolic हो सकती हैं and you may not be very good at drawing. Purpose of poster. The purpose of poster is to educate people on social cause, advertising and information. Social cause like say no to dowry, keep your environment clean, say no to drugs. These all topics come under social cause. Advertising, आप किसी product को advertise कर सकते हैं, किसी जगह को advertise कर सकते हैं, anything. Information और आप कोई भी information जो pass on करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी poster draft कर सकते हैं. The message of the poster should be brief and clear. जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो शॉर्ट में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. गोल्स ऑफ द पोस्टर. पोस्टर ड्राफ्टिंग के क्या एम है? कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन यू आर टॉकिंग टू. आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कराना चाहते हैं थ्रू दैट पोस्टर सो दैट यू कैन पास ऑन द इन्फॉर्मेशन. द इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर. जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए. एंड रीडेबल फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपका जो पोस्टर का फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूरी से भी आराम से पढ़ा जा सके. बिकॉज जो पोस्टर होते हैं वो हम वॉल पे लगाते हैं या फिर नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं. पॉइंट्स टू टेक केयर. हमें जब पोस्टर ड्राफ्ट करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? यूज कैप्शन, यूज ऑफ स्लोगन, यूज लोगो एंड सिंबल, शॉर्ट मैसेजेस, कैची वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. तो हमें जब पोस्टर ड्राफ्ट करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना? एक तो कैप्शंस यूज करने हैं और स्लोगन्स यूज करने हैं. कैप्शन और जो स्लोगन्स होते हैं क्या माइंड में बहुत समय तक रहते हैं, तो इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यूज देम. और सिंपल सिंबल्स को और लोगोस को यूज कर सकते हैं पिक्चर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे. जो वर्ड्स होते हैं कैची होने चाहिए सो दैट द पर्सन इज एबल टू हैव दोज वर्ड्स इन हिज माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड जो सेंटेंस होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए. वी शुड नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, दैट विल नॉट गिव फुल इम्पैक्ट टू योर पोस्टर. स्पेशलिटी ऑफ द पोस्टर्स, ब्रेन टिकलिंग, आई कैचिंग, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, हेडिंग मस्ट बी बोल्ड एंड हाईलाइटेड. जो पोस्टर होता है ऐसा बनाना चाहिए कि आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़े. इफ यू से नो टू डाउरी द पर्सन शुड हैव दैट येस वी शुड नॉट टेक डाउरी. मतलब इस तरह से उसके दिमाग पे उसका असर होना चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग, वी शुड कंजर्व वाटर, वी शुड हार्वेस्ट रेन वाटर. तो लोगों के दिमाग में आए हाँ हमें पानी को बचाना है, राइट. फिनिशिंग, आप एंड कैसे करेंगे? आप लास्ट में इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो उसको इश्यू कर रहा है उसका नाम लिखते हैं. एंड यू पुट द पोस्टर इन द बॉक्स. पुटिंग द पोस्टर इन द बॉक्स मीन्स टू ड्रॉ अ मार्जिन, बोल्ड मार्जिन चारों तरफ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पुटिंग द पोस्टर इन द बॉक्स. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पोस्टर ड्राफ्टिंग. This is first example. It speaks about eye donation. So the heading comes, donate your eyes for needy, help them see the world. आप अपनी आंखें डोनेट करें उन लोगों के लिए जो नहीं देख सकते और दुनिया देख पाए.
योर आईज विल सी इवन आफ्टर यू विल बी नो मोर, आपकी आंखें तब भी देख पाएंगी जब आप नहीं होंगे। एक्चुअली हम आंखें कब डोनेट करते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है, लाइफ टाइम में हम एक फॉर्म साइन करते हैं एंड वॉलंटियर करते हैं कि हम अपने लाइफ के एंड में व्हेन वी वुड बी नो मोर वी वुड डोनेट आवर आईज एंड दिस आईज वुड बी यूज्ड फॉर समवन एल्स टू सी, सो लेट अदर्स ऑल्सो सी द कलरफुल वर्ल्ड। सबको ये सुंदर दुनिया देखने का हक है, और जिनको भगवान ने नहीं दी है आंखें या किसी कारण से उनकी आंखों में डिफेक्ट आ गया है, सो उनको भी हक है, तो लेट आर आईज बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड लास्ट में लिखा है इश्यूड बाय ग्लोबल हॉस्पिटल, यू कैन राइट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इश्यूड द पोस्टर, वो लास्ट में आता है। एंड यू कैन सी चारों तरफ हमने मार्जिन बनाई है, मार्जिन इज बोल्ड एंड दैट इज नोन एज टू पुट द पोस्टर इन द बॉक्स। Now, let us see one more example. This poster speaks on, don't hug the drug, it will suck your blood. This is speaking on, say no to drugs. So, ये poster no to drugs के लिए बनाया गया है. You can see simple pictures there. Drug lead you to death. Drugs लेंगे तो death होना sure है. Leave drug and live life. Drug को छोड़ो, जिंदगी जियो. You use drugs, you lose your life. अगर आप drug use करेंगे, आपकी जिंदगी समझो खत्म. And then issuing authority, the drug control society. So, and you, again you can see, the poster is put in box. चारों तरफ margin बनाया हुआ है. बस इतना सा ही poster में लिखना होता है, a slogan, heading, a simple drawing and last में issuing authority. Right students? We do not write too much in poster drafting. I hope you have understood how to draft a poster. Some questions are given. Please attempt the questions. Thank you students.